हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और अभी हो रहा है, मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह का। तो सुबह का नाश्ता वगैरह तो हो ही चुका है, तो ये अभी बिस्तर वगैरह हटाए थे, तो बस वही मैं, जो बाकी बिस्तर है वो तो अलमारी में रख दिए हैं, और बेड की कर रही हूँ सेटिंग, क्योंकि इसमें ना सारा दिन उठते बैठते हैं तो इसकी चादर भी इधर से उधर हो जाती है, तो वही मैंने दोबारा से निकाल कर और अच्छे से झाड़ कर दोबारा लगा रही हूँ। सुबह सुबह का ये तो काम सभी के ही घर में होता है, तो बस बिस्तर वगैरह की सेटिंग करने के बाद फिर मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है। सुबह सुबह ये झाड़ू वगैरह और ये सारा काम बहुत होता है, मतलब सादा झाड़ू लगानी हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ये काम करना हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये ब्लैंकेट है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी बेड के ऊपर, क्योंकि अभी ठंड है, बहुत ज़्यादा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। धुंध वगैरह तो कम हो गई, लेकिन धूप है जो वो बिल्कुल नहीं निकल रही है। अब तो ऐसी भी नहीं निकल रही है कि कपड़े वगैरह भी सूख जाएं, बिल्कुल बंद है धूप। मौसम वैसे देखने में मतलब साफ लगता है, पर ना धूप वगैरह बिल्कुल नहीं है, तो बस सारा दिन रजाई में और बिस्तर में ही होता है। तो दिन में तो मैं रजाई वगैरह नहीं निकालती हूँ, ये ब्लैंकेट है, इस पे कवर चढ़ा हुआ है तो यही चलता है, और रात में ही रजाई वगैरह निकालते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी बिस्तर वगैरह हो जाते हैं बेड पे, तो वो भी किचकिच सा नहीं अच्छा लगता है। तो बस अभी मुझे झाड़ू निकालनी है। एक बार मेरी सुबह झाड़ू निकल चुकी है पूरे घर की, लेकिन ये दोबारा से अभी पोछा लगाना है, तो इसलिए पोछा, मतलब अगर सुबह की लगी हुई झाड़ू में पोछा लगाओ तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, और पोछा लगाने से पहले अगर झाड़ू लगा लो तो उतना कचड़ा वगैरह नहीं निकलता है। तो मेरी सुबह एक बार हो चुकी है झाड़ू, तो ये मेरी दोबारा झाड़ू और पोछा है। तो ये मेरा डस्टबिन रखा है, ये भी पूरा भरा हुआ है, तो ये भी मुझे आज खाली करना है, और इसकी भी करनी है सफाई, क्योंकि डस्टबिन भी आजकल बड़ा जल्दी भर जाते हैं, मतलब इतनी सब्जी वगैरह के, और मेरा डस्टबिन भी थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो बहुत जल्दी भर जाता है, तो वही मुझे बस खाली करना है। और बाथरूम का भी डस्टबिन खाली गया था, तो उसका भी कचरा मैं इस बोरी में निकाल कर ले आई हूँ, मतलब जैसे ना शैम्पू वगैरह के पाउच वगैरह, साबुन वगैरह के रैपर वगैरह, और ये चीज़ होते हैं ना, तो ये भी मैं बाथरूम में ही इकट्ठा करती हूँ। तो बस वही सब है, तो आज किचन का और बाथरूम का दोनों ही डस्टबिन खाली किया है। तो बस यहाँ की झाड़ू वगैरह हो गई, और इसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी।
और ये डस्टबिन वगैरह है जो मैं गर्म पानी से ही साफ करूँगी। गर्म पानी से साफ करने से क्या है, थोड़ा महक वगैरह भी नहीं आती है और जल्दी से साफ हो जाते हैं। मतलब थोड़ा अगर इनमें कुछ लगा भी हो ना तो थोड़ा जल्दी से साफ हो जाते हैं, इतना तो है। तो गर्म पानी और सरफ में मैं इन्हें रगड़ के साफ कर लूँगी। और धूप वगैरह तो कुछ भी नहीं है निकल रही है, तो ये बस यहीं रख दूँगी बाथरूम के अंदर उल्टा करके, तो इनका पानी है जो सारा निकल जाएगा। वैसे तो मैं इन्हें धूप में रखकर अच्छे से सुखा लेती हूँ क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह ना आए इसलिए, लेकिन अभी क्या है जो धूप है वो बिल्कुल नहीं है, तो बाहर भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसा अंदर है सेम वैसा ही बाहर है। कपड़े वगैरह भी है वो मैं बहुत कम धुल रही हूँ एसी करके, क्योंकि कपड़े सूख नहीं रहे हैं और उन्हें प्रेस कर करके सुखाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए। तो बस ये डस्टबिन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं और उसके बाद मुझे बाथरूम की करनी है सफाई। अभी मेरा है बाथरूम का और भी काम बाकी है। रोज ही होता है इतना काम, तो रोज होता है बाथरूम वगैरह की सफाई करना। और ये मतलब इतना सफाई का काम होता है, मेरे पास तो ज़्यादा नहीं छोटे से ही दो रूम और बाथरूम है, लेकिन जिन लोगों के घर काफ़ी बड़े हैं ना, उन लोगों के घर में तो मुझसे भी ज़्यादा काम होता है। तो मेरा तो बस इतना ही बात